Vlogs. I am Palak and she is Abhishi. Hi. Hi guys. आज जो हमारा वीडियो है एक आप लोग को बहुत हेल्पफुल होने वाली है और साथ ही एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पर है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है एज यू ऑल नो. तो घर में ऑब्वियसली हमारे पास वो सब सामान नहीं होता जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन हम फिर भी घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं. कैसे? I'll tell you in a bit. लॉकडाउन तो चल रहा है लेकिन इन बच्चों का लॉकडाउन नहीं है क्योंकि इनकी वर्चुअल क्लासेस तो चल ही रही हैं और वर्चुअल क्लासेस के साथ जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, जो भी डेज आए हैं लाइक इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी, ग्रीन डे, तीज डे, एवरीथिंग मींस एवरीथिंग दे किड्स हैव टू गेट रेडी एंड हैव टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन. एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज मार्केट क्लोजर एंड बिकॉज ऑफ द फियर इफ यू गो आउट what would happen to us. So in this kind of fears we do not step outside of our home. hum ghar ke baithe baithe bhi kaise bachcho ko ek fancy dress ke liye ready kar sakte hain ghar ke hi saman se. to aaj main is video mein aap sabhi se wo share karne wali hu jo maine kiya hai with avishi. so let's get started. so i have taken this items for jhansi ki rani lakshmi bai. दिस इज़ द मटीरियल. दिस येलो थिंग इज़ द मटीरियल ऑफ सामान में वो पगड़ी बांधते हैं. तो ये उसका, ये मेरे फादर को मिला था तो ये उसका कपड़ा था. तो ये मैंने साड़ी की तरह यूज़ किया. जो एक ये ग्रीन कलर का ब्लाउज़ देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का ब्लाउज़ उसके एक लहंगे का है जो कि हम बहुत पहले केरला से लाए थे. साथ ही जो ये आपको सिल्वर में दिख रहा है वो तलवार मैंने बनाई है घर में सिल्वर फॉइल से ही. नीचे जो पॉप्सिकल स्टिक लगी हुई है उसको टेप से चिपकाया हुआ है और साथ ही ये कुछ मेरी एक्सेसरीज़ हैं. और जो वो पगड़ी आपको दिख रही है कलरफुल, वो पगड़ी भी किसी सम्मान समारोह में ही मिली हुई है. तो मैंने ये सब चीज़ें झांसी की रानी के लिए इकट्ठा की हैं. ओके गाइस, तो मैंने ये वाला जो ब्लाउज़ है इसका ये लिया था व्हेन शी वाज़ 1.5 ईयर्स ओल्ड. तो अब ये छोटा हो गया था काफ़ी. तो मैंने इसमें क्या DIY किया, थैंक्स टू माय मदर इन लॉ. ये आप जैसे देख सकते हैं इसकी ज़िप भी है. तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, उसको टाइट हो गया था. और हमने यहाँ पे ना ये डोरी सिस्टम कर दिया, उन्होंने ये स्टिच कर दी, ये पतली पतली डोरी बना के ग्रीन कपड़ा लेके. ये कपड़ा इससे मतलब इसके जैसा है बट इसमें से कहीं से नहीं निकला हुआ है, इसके साथ नहीं था. ये हमने घर में ही कस्टमाइज़ किया है, मेरी मदर इन लॉ ने इसको स्टिच करके, और हमने ये इसका ब्लाउज़ ऐसे रेडी कर दिया क्योंकि इसके साथ का ब्लाउज़ हमारे पास अभी नहीं था और हम लोग बाहर भी नहीं निकलना चाह रहे थे. सो दिस इज़ द DIY विच आई हैव डन विद दिस ब्लाउज़. एंड जस्ट हैव अ लुक हाउ शी लुक इन महारानी लक्ष्मी बाई अवतार. दिखा दें? Yes, ma'am. So this is the costume for Krishna in which the top is, मैंने I think last year ख़रीदा था तो वो अभी इसको फिट आ रहा था. और जो इसकी धोती थी वो ख़राब हो गई थी तो अगेन मैंने वही सेम क्लोथ लिया इन द येलो कलर. और ये बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हैंडमेड हैं. ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं चीज़ें हैंडमेड हैं. तो वो है ये मटकी, जो ग्लिटर वाली फोम वाली शीट आती है ना उसको मैंने एक मटकी के शेप में कट किया एंड उसके बाद मैंने अविशी को दिया. मैंने उसको बोला जैसे आपको सजाना है जस्ट डेकोरेटेड. सो
इट्स आवर इमेजिनेशन। उसने ये पूरा डेकोरेट किया है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं इसमें थोड़ा सा इतना क्लीनलीनेस नहीं है। सेकंड हमने ये मुकुट बनाया जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके बनाया। हमने ये सब कट किया है अलग अलग, उसके बाद कलरिंग की है अंदर। मैं जो इसमें आपको दिखाना चाहती हूँ मेन, हमने इसमें ना एक मास्क, पहले मैंने इसमें रुई लगा के उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया, क्योंकि बच्चों को ना ये कागज़ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, नहीं पहनते, तो हमने इसमें पहले ये पट्टी लगाई है, जो वो रुई लगा के जो पट्टी होती है जो अपने वाउंड्स पर हम बांधते हैं वो पट्टी लगाई है। उसके बाद ही मैंने मास्क को कट कर लिया तीन पार्ट्स में और वो मास्क मैंने चिपका दिया है। उसके बाद ये वेलक्रो टेप से लाइक दिस, तो ये उसको बहुत कंफर्टेबल था। अविशी ने बहुत देर तक ये पहने रखा, उसको ज़रा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो या दिस वाज हर कन्हैया का मुकुट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ दिस बांसुरी। तो ये बांसुरी तो हमारे पास पहले से ही थी, बट इसके ऊपर ये मेरे पास एक लेस रखी हुई थी, मैंने उसको बस रैप अराउंड किया है। तो या दिस इज़ इट, एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन हर कंप्लीट लुक ऑफ कृष्णा। और पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दिस वॉज द लुक फॉर इंडिपेंडेंस डे, भारत की माता वाला लुक। सो इसमें आई हैव टुक अगेन द कपड़ा ऑफ साफा, ये साफा का कपड़ा था जिससे कि मैंने उसकी साड़ी बनाई, एंड सम नेकलेसेस, सम ब्रेसलेट, एंड अगेन वी हैव मेड दिस टियारा फॉर हर टू रिप्रेजेंट आर नेचर। ओके सो या सो दिस इज़ द लुक फॉर भारत की माता, इन विच शी हैज़ टू स्पीक सम लाइन्स, एंड वी मेक दिस टियारा टू रिप्रेजेंट नेचर and to firmly believe that yes, we can do it, we can make our art. So this is the getup for the duck. She has to become a duck for a show and tell program. So I have choose this outfit for her. This orange striped leggings represent the feet of the duck, and this yellow color top represent the duck, and also we have made the tiara of duck for her, and we have painted some glass to represent ducks because it was a show and tell program. So this was the getup for Sabji Wala. She has to become a Sabji Wala in her school competition. So this chunni, this is a chunni. So we put it on like a dhoti. And this is the tokri which I have in my house already. So we have put most of the things available at my home. And some things we have crafted, as you can see. Watermelon, carrot and radish. And all this mustache. So let me show you how I draped this chunni as a dhoti on her. So okay, let's guys, have a look. So this is the chunni, and let's drape it like a dhoti. Yucky. इसको बिल्कुल आप
एक सार करके और बीच में एक नॉट बांध लीजिए, वन नॉट लाइक दिस एंड देन एक पार्ट सेकेंड पार्ट कम हियर, वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को अंदर से ले जाके पीछे इसको टक कर दीजिए, अगेन सेकेंड पार्ट यहाँ से ले जाके पीछे टक लाइक दिस। सो दीज आर द माउस टैश। And her tokri. Hi, सब्जी वाले भैया। Hi. ये वाटरमेलन कितने रुपीस का दिया आपने? 3 रुपीस का। Oh, thank you भैया। Thank you भैया, आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। So guys, this is it for the video. Also, you can play with your child like this. You can play so many play and pretend games like this. So guys, this is it for the video. Please like this video if you really like the video, and also thank you. Do comment in the comment section whatever you want us to shoot next, and we will present that or this video with you guys. So this is it for the video, and do subscribe to my channel Avishi. Please say everyone to subscribe our channel. Please. Okay, so this is it. Okay, bye. Toodles.